अब हम आते हैं इसकी सेकेंडरी वाले हिस्से के ऊपर, वो है फैसला करने का प्रोसेस क्या है। फैसला करने का प्रोसेस क्या है, तो उसके पांच प्रोसेस हैं। नंबर एक ये है कि फैसले की वजह, ठीक है ना। पहले क्या है कि नीड आइडेंटिफिकेशन, हम फैसला कर क्यों रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम इसकी मिसाल लेंगे और फिर हम इसको देखेंगे माशाल्लाह से। वो मुमकिन है कि हमारा ये जो सेशन है वो दो हिस्सों में आए और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसले करने की वजह, फ़र्ज़ करें कि मैंने इंटर किया है, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, और मैं अब हायर एजुकेशन पे आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो मेरे फैसला मुझे यहाँ करना है कि मैं हायर एजुकेशन में कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ। ठीक है, छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर दूसरे भी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो पहला है कि आपको नीट क्या है डिसीजन मेकिंग की, यानी फैसले की वजह क्या है। दूसरा है फैसले के ऑप्शंस क्या हैं। अब आते हैं यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजंस, क्या क्या है, क्या क्या फैसले कर सकते हैं। जब हमारे डिफरेंट कोर्सेज होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जब ही तो हम फैसले कर सकेंगे। अब मैंने इंटर किया है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं MBBS करूं, मैं BE करूं, मैं BEd करूं, मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूं, मैं आलिम का कोर्स कर लूं, मैं होम्योपैथिक कर लूं, मैं सिलाई कढ़ाई सीख लूं, XYZ। मेरे पास कुछ दो दर्जन ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये है मेरे पास दो दर्जन ऑप्शंस जो है, इत्तेफाक की बात है, दो दर्जन इसलिए हैं कि ये पॉइंट नंबर भी टू है। तो इसका मतलब है फैसला जब करेंगे तो जो कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं उसकी आप लिस्ट बनाएं, सही है। तीसरा है आपका इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपने देखना है कि ये जो इतने सारे अल्टरनेटिव्स थे जो हमने ऊपर देखे, नर्सिंग से लेके आलिम के कोर्स तक के, इसकी असेसमेंट करनी है, इसका हमें तज्जिया करना है कि हमारा ख्वाहिशें, हमारी फैमिली की ख्वाहिशें, हमारे जनाब माशरे की ज़रूरत, नौकरी के बाद अपना पढ़ने के बाद किस में कौन जॉब करनी आसान है, या किस कौन सा बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, और जनाब ट्रेंड कहाँ जा रहा है, किस चीज़ की सलाहियत मेरे में मौजूद है, ये मैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी बुनियाद पे तज्जिया करूँगा मैं इसका कि मैं क्या करूँ। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हर एक के अलग अलग होते हैं, सबका मज़हब, सबका जेंडर, सबका डिसीजन मेकिंग, फैमिली लाइफ स्टाइल और नीड हर एक की क्योंकि मुख्तलिफ है, लिहाजा ये फैसले मुख्तलिफ होते हैं। मैंने जब सबकी असेसमेंट की, तीसरा पॉइंट है याद रखिएगा, जब मैंने सबकी असेसमेंट की तो फिर मैंने महसूस किया कि मुझे BE करना चाहिए, सही है ना। पहला पॉइंट कौन सा था, फैसला क्या था, हायर एजुकेशन आला तालीम। दूसरा कौन सा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं हायर एजुकेशन के, और तीसरा हो गया उसकी असेसमेंट करना, उसका तज्जिया करना। अब मैंने तज्जिया किया तो फिर मैंने तज्जिया करने के बाद क्या देखा, तज्जिया करने के बाद ये देखा कि मुझे BE करना चाहिए। चौथा काम क्या होगा, चौथा पॉइंट याद रखिए पाँच पॉइंट से, और माशाल्लाह आप तो वक्त गिन में रहें। चौथा है फैसला। अब मैं डिसीजन कर लिया, मैं गया और मैंने किसी में भी जनाब यूनिवर्सिटी में, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसमें जाके BE में दाखिला ले लिया, सही है। अब मैंने फैसला कर लिया। अब हम बाद में इस पर बात करते हैं। और पांचवा क्या है, पोस्ट डिसीजन असेसमेंट या एवोल्यूशन, कि फैसला करने के बाद अब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास होगा कि जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ वो मेरे मिजाज, मेरी ख्वाहिशें, मेरे वालदैन की ख्वाहिशें, मेरे ख़ानदान की ज़रूरत, मेरे मुल्क को क्या चाहिए जनाब, मेरे माशी समाजी मसाइल, सारी चीज़ों को एड्रेस कर रही है। अगर वो एड्रेस कर रही है तो मैं इत्मीनान के साथ अपनी तालीम पूरी करूँगा और इंशाल्लाह ताला कन्वोकेशन के अंदर डिग्री लेके बाहर आ जाऊँगा, और आई विल बी हैप्पी, रादर आई विल बी मोर देन हैप्पी कि जो मैंने चाहा पहले वाले में फैसले में हायर एजुकेशन, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर बन गया। ये देखिए ये इंजीनियर बैठे हुए हैं, ये ठीक है ना, मैं डॉक्टर बन गया थोड़ी देर के लिए, वो आलिम का कोर्स कर लिया उन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, हज़ारों प्रोफेशनल सब ने अपनी जगह दुरुस्त किया। और अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा नेगेटिव हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर बनके डॉक्टर बनके भी नहीं होते, आप देख रहे होते हो किसी और जगह पे काम कर रहे हो, तो कोई बैंकिंग में डॉक्टर MBBS मिल जाएंगे आपको, इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे जो है ना वो सेल्स में हैं और प्रोडक्ट भी इंजीनियरिंग में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका फिर नेगेटिव था। जब नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, तो ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ज़रूर 15% 10% हमारे साथ होता है। फिर हम जाएंगे सेकेंड पॉइंट पर,
अगर मेरा नेगेटिव हो गया बी करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, या मुझे दो सेमेस्टर के बाद अंदाजा हो गया, तो फैसले के जो ऑप्शंस थे, जिससे हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, उसमें जाऊंगा मैं, बोलूँगा नहीं भाई मेरे लिए बी मुनासिब नहीं था, मेरा जो मिजाज है उसके हिसाब से मुझे वकालत करनी चाहिए थी, मुझे तो LLB करना चाहिए था। आप सोचेंगे नहीं मुझे तो BBA करना चाहिए था, वो कहेंगे नहीं मुझे तो BCS करना चाहिए था, वो मोहतरमा जो बैठी हुई वो कहेंगे नहीं मुझे तो BA सिंपल करना चाहिए था। अब ये सारे के सारे लोग हैं जो जाएंगे और फिर ये फैसले का ऑप्शन और फिर उसके जनाब असेसमेंट और फिर उसका डिसीजन, और हो सकता है पहली दफ़ा में नहीं दूसरी दफ़ा में उनको पॉजिटिव हो जाए। तो ये याद रखिएगा कि फैसले सही कैसे होते हैं हमने भी देखा। हम इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, बिल्कुल जो आपके बराबर में उनको कह रहा हूँ, अब आप रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि अब आप खुशहाल हो गए हैं लिहाजा आप बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं और अच्छी सोसाइटी में मूव कर जाएं, फ़र्ज़ करें आप कराची, और आप रहते भी कराची में, तो अब आपने फैसला क्या किया कि हमें बड़े घर में जाना है और अच्छी सोसाइटी में मूव करना है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, फैसले के ऑप्शन यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो आपके अच्छी सोसाइटी बड़े घर में, आपके पास डिफेंस भी है, आपके पास क्लिफ्टन भी है, आपके गुलिस्तान जौहर भी है, आपके पास PCHS भी है, आपके पास गुलशन इकबाल भी है, और आपके पास जो है वो जनाब नॉर्थ नजवाद भी, और बहुत सारे इलाके हैं। तो मैं वक्ती तौर पर इसी बात कर रहा हूँ, आपने कहा ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं 240 गज में भी रह सकता हूँ, 400 में भी, 600 में भी, 1000 में भी, और इससे बड़े में भी जा सकता हूँ। ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शन आ गए। अब आपका तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ जनाब अल्टरनेटिव। अब आपने इनकी पोस्टमार्टम करना है, आपने देखना है कि आपकी अपनी ख्वाहिशें क्या हैं, आपकी ज़रूरत कितने बड़ा मकान है, आपके वालदैन आपके ससुराल कितने दूर है, आपका महका कितने दूर है, माशरे में लोग कहाँ रहने को पसंद कर रहे हैं, जनाब ऑफिस का रूट कौन सा बनता है, बच्चों के स्कूल कॉलेज कहाँ आसानी से है, सिक्योरिटी कहाँ है, कहाँ की हमसायगी अच्छी है, सही है ना, और बहुत सारे सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ बिजली आ रही है, सारी सारी चीज़ों से आप क्या करेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे और आप फैसला कर लेंगे। तो फैसला चौथे नंबर पे, फ़र्ज़ करें मैंने फैसला किया कि मुझे जो है वो नॉर्थ नाजवान में रहना है, तो अब मैंने जब फैसला कर लिया नॉर्थ नाजवान में रहना है और हम शिफ्ट भी हो गए, वहाँ 4 महीने बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इतना बड़ा घर जो है ना वो तो मेरे, आपने फैसला किया कि आप इतना बड़ा घर है, आपके तो घर वाले की सफाई और करना है मुश्किल है, या मासे भी नहीं मिलती है मिसाल के तौर पर, या कॉलेज भी दूर है बच्चों का, या स्कूल दूर है, या आपका ऑफिस दूर है, ससुराल एक किस कोने पर है, इसको जो है ना एक उस कोने के ऊपर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने देखी, तो आपने कहा नहीं ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। आप यकीन हमारे अपने महल्ले में एक साहब ने बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया, डबल प्लॉट में मकान बनाया, बहुत खुशहाल थे, सब कुछ बनाया, 4 महीने बाद बेचने के लिए मार्केट में दे दिया उन्होंने। और वजह पूछ करेंगे यार मेरी मिसेस की कमर में प्रॉब्लम होती है, इतने बड़े बड़े घर की सफाई करने के लिए तो बहुत हमें 24 घंटे मासी चाहिए होगी, तो हम जो है वो यहाँ नहीं रह सकते, लिहाजा हम वहीं जाएंगे जहाँ पे हम थे उसी में उसी साइज़ के मकान में जाएंगे। तो सारी ज़िंदगी इस तरह के हम मामला कर रहे होते हैं। अब मैंने नॉर्थ नजबात मुझे पसंद नहीं आया, फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए आपको पसंद नहीं आया, किसी को भी साथ भी हो सकता है, और उसके बाद हमने क्या किया, मैंने नेगेटिव जब हमारा फीडबैक आया तो हमने कहा नहीं भाई अब यहाँ भी नहीं रहना, हमने कहीं और मूव कर जाना है, तो हम किसी और पता चला हम जौहर चले गए, वहाँ पहाड़ी पे रह रहे हैं, वहाँ पे रिश्तेदार भी करीब है, ससुराल भी करीब है, वहाँ से जो यूनिवर्सिटियाँ भी करीब है, सारी चीज़ें हो गई और हमने उसको इन्जॉय किया, हमने कहा अब हमारा पॉजिटिव हो गया। तो याद रखें फैसले कभी पॉजिटिव भी आते हैं कभी नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको दूसरे में जाते हैं। तो ये आज हमारी जो थी वो बात थी माशाल्लाह से, और इसका हमारा जो हासिल कलाम आखिर में कहते हैं वो यही है कि फैसले सही करने के लिए हमें साइंस और आर्ट के अंदर इक्विलिब्रियम लाना है, और सही करने के लिए हमें इमोशंस और लॉजिकल में एक जो है ना वो बैलेंस कायम करना है, तो हमारे फैसले सही होंगे, ठीक है ना। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, और आपकी पज़राई का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अस्सलाम वालेकुम।